brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लेकिन वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है वो केंद्र सरकार को देखते हुए बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो केंद्र सरकार के कारण लोगों का झुकाव रूढ़ी जी की तरफ है और रूढ़ी जी की तरफ वोटिंग कुछ ज़्यादा हुई है, बहुत कम। बिहार की हॉट सीट सारण लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हो गया। सारण में आप जानते हैं कि दो प्रत्याशी थे, एक रोहिणी आचार्य राजद सुप्रीमो की बेटी और भाजपा के राजू प्रताप रूड़ी। दिन भर क्या चुनाव का ट्रेंड रहा, किस तरह से मतदान हुआ, इसकी चर्चा करने के लिए हम सारण जिले के कुछ पत्रकारों से बात करें। हमारे साथ विपिन जी हैं जो एक संस्था से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता के। विपिन जी, ये बताइए कि आज दिन भर आपने भी पूरे दिन तमाम जगहों का भ्रमण किया, मतदाताओं से बात की, तमाम बूथों पर गए, क्या आपको क्या नज़र आया आज बूथ पर जो आप गए? देखिए, वोटर्स जिस जोश जुनून से बूथ पे लगे हुए थे, एक तो सही बात है कि जिस जाति पार्टी के लोग जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ उनका वोट होता है। इन जनरल वे में देखा जाए, जो मतदाता किसी जाति पार्टी से नहीं है वो केंद्र की सत्ता को देखता है कि केंद्र सरकार, चूँकि केंद्र का चुनाव है, केंद्र सरकार हमारी मजबूत होगी तो हमारे शहर में विकास होगा, देश में विकास होगा, देश के बाहर हमारी सरकार मजबूती से काम कर पाएगी। इसलिए जो भी वोटर्स हैं वो केंद्र सरकार को देखते हुए अपना मत दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि जो चुनाव का कैंपेन हुआ उसमें लालू यादव लगातार छपरा में कैंप कर रहे थे, अपनी बेटी के पक्ष में लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे, तमाम जातियों से गोलबंदी कर रहे थे, और तेजस्वी भी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे थे, ट्रैक्टर, मतलब उनका कहना था कि मैंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, और पूरी तरह से सारण लोकसभा क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रहे थे। इसका कितना असर पड़ा है मतदाताओं पे, कि मतदान के नतीजों में क्या असर आएगा? देखिए, रोहिणी चूँकि लालू जी की बेटी हैं, तेजस्वी जी की बहन है, तो बट नेचुरल है कि उस परिवार को तन मन धन से उस क्षेत्र में आके काम करना, लोगों में कैंपेन करना ताकि मेरी बेटी जीत जाए, और उस पर्पस से उन लोगों ने जितने उनके अपने लोग थे उसके साथ साथ कुछ नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने। अब इसमें उनको कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाले 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है वो केंद्र सरकार को देखते हुए बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो जो बार बार तो इसी कहते थे कि जो 17 महीने में हमने काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी, और 17 साल में ये भाजपा और जिंदगी सरकार नहीं कर पाई, सीधे एनडीए की सरकार नहीं कर पाई, उनका बोलना था कि हम फिर से आएंगे तो फिर से हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तमाम तरह के वादे आप वो करते जा रहे थे, तो इसका क्या कोई असर आम जनता पे नहीं पड़ा क्या इसका? देखिए, उस समय नीतीश कुमार के साथ इनकी सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, ये उप मुख्यमंत्री थे, तो किसी भी काम को करने के लिए घर के मुखिया का हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो हम अकेले इनको श्रेय नहीं देंगे कि जो भी नौकरियां दिए हैं वो बिना नीतीश कुमार के मर्जी के इन्होंने कुछ कर पाए हैं। हाँ, अब रही बात कि चुनाव है, नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए हैं, तो उसको ये अपने सर पे लेकर और पब्लिक के बीच में दे रहे हैं कि पब्लिक जाने की नौकरियाँ मैंने दी है तो कुछ वोट बैंक इनका बढ़ सके, लेकिन असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? असर उसका नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता जानती है कि पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे लोग चुनाव में हैं, तो सबको मालूम है कि किसके मार्फत, किसके माध्यम से ये हुआ है नौकरी, इनका रोल कोई नहीं है उसमें। किडनी वाला फैक्टर कितना इसमें काम कर रहा है? देखिए, किडनी वाला फैक्टर उनके परिवार का व्यक्तिगत मामला है, मेरे घर में मुसीबत आएगी तो मेरा परिवार मेरा साथ देगा, उससे आम जन को कोई मतलब नहीं है। चुनाव में ये लोग भुना रहे हैं, सच बात है कि इनको चुनाव में इस मुद्दा को नहीं लाना चाहिए था, परिवार के व्यक्तित्व मामला है, जीने मरने की बात ही परिवार की, बेटी है, पिताजी हैं, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट किए हैं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये मुद्दा चुनाव में नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपके लिहाज से जो आपने दिन भर जो वोटिंग ट्रेंड देखा, किसके पक्ष में आपको पल्ला भारी लगा या बराबरी का मुकाबला या एक तरफा झुका हुआ मामला है? देखिए, चूंकि चुनाव लोकसभा का हो रहा है और केंद्र सरकार को लेकर ये चुनाव है, तो
केंद्र सरकार के कारण लोगों का झुकाव रूढ़ी जी के तरफ है और रूढ़ी जी के तरफ वोटिंग कुछ ज़्यादा हुई है। मतलब रूढ़ी को इस उपचुनाव में जो है रूढ़ी के जीतने की संभावना आपके लिहाज से बढ़ी हुई है इसमें? पूर्व के तुलना में कुछ वोट कम आएंगे रूढ़ी को, लेकिन जीत रूढ़ी की सुनिश्चित होगी। ये थे विपिन जी जो बता रहे थे कि जो आज का वोटिंग ट्रेंड रहा वो रूढ़ी के पक्ष में ज़्यादा नज़र आता है। हमारे साथ एक और पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। धनंजय तोमर हैं, ये एक संस्थान से जुड़े हुए हैं। धनंजय जी ये बताएं कि आज जो चुनाव हुआ सारण लोकसभा क्षेत्र का, पाँचवें चरण का चुनाव था और काफ़ी हॉट सीट सारण हो चुका है, तमाम मीडिया की नज़र है, देश की नज़र है, पूरे बिहार की नज़र है, किस तरह से आपने देखा? आपने भी आज दिन भर चुनाव को कवर किया, क्या आपका आकलन है इस चुनाव को लेकर? नहीं, आपने हॉट सीट की बात की तो निश्चित तौर पे सारण बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक है। एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, राजीव प्रताप हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अपनी विरासत के लिए रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं और बार बार चुनाव प्रचार में कहते भी हैं कि पापा के कार्यों पे मुझे, मेरे भाई के और मेरे पापा कर्म, हाँ के मुझे वोट दीजिए, मेरे पिताजी का कर्मभूमि है, जिस तरह से पिताजी ने सारण का सेवा किया उस तरह से मैं भी सेवा करूँगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू परिवार पूरा दमखम लगा दिया है, लालू परिवार पूरा दमखम लगा दिया है कि कैसे चुनाव जीता जाए, हॉट सीट तो है। दूसरी बात, सुबह से देखा जाए तो आज शुरुआती तौर दिन शुरुआती समय में वोट परसेंटेज कम रहा, लोग घर से कम निकल रहे थे, लेकिन आज मौसम भी अनुकूल हो गया। डेली लगभग 44-45 डिग्री टेम्परेचर आज तो कुछ मौसम भी लगभग 35 से 35 डिग्री के बीच में आज टेम्परेचर सारण का रहा। बीच में बूंदाबांदी भी हुई, बादल में आकाश भी छा, उसके बाद जैसे मौसम अनुकूल हुआ घर से वोटर्स निकलना शुरू हुए और उसके बाद सभी जगहों पर जितने भी 6 विधानसभा हैं सभी विधानसभा में हम लोगों ने घूमा, कवरेज किया, देखने को मिला कि शुरुआती दौर पर वोटर्स कम थे लेकिन बीते समय के साथ वोटर्स की संख्या बढ़ने लगी और लास्ट में 54.50% सारण का रहा। ऐसा आपने बताया कि 6 विधानसभा है जिसमें 2 विधानसभा पे भाजपा है और 4 विधानसभा पे राजद है और लालू जी ने भी एग्रेसिव कैंपेन की, कैंपेन तो नहीं कहेंगे लेकिन लोगों से गोलबंदी की, लोगों से 1-to-1 मुलाकात करी, अपने यहाँ बुला करके बात किया, यहाँ राजद कार्यालय में लगातार वो कैंप कर रहे थे और विधायकों को भी उन्होंने टास्क दिया हुआ था कि अगर आपके क्षेत्र से राजद को वोट कम आया तो आपका भविष्य सोच लीजिएगा कि आगे चुनाव में क्या होने वाला है। इसको किस तरह से क्या राजद के जो विधायकों हैं, विधायक उन्होंने इसके लिए मेहनत की या नहीं की मेहनत? नहीं, निश्चित तौर पे राजद के जो 4 विधायक हैं, चारों विधायक डे फर्स्ट लगे हुए थे, कैंपेन में काफ़ी एक्टिव दिखे, लेकिन बात जब विधानसभा की और लोकसभा की हुई तो दोनों चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं। लगभग हम लोगों ने सारे चुनाव का कवरेज किया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव के कवरेज किया हम लोगों ने। देखा है कि अलग अलग चुनाव में प्रत्याशी भले एक हो, पार्टी भले एक हो, लेकिन अलग अलग चुनाव में मुद्दा बदल जाता है, विचारधारा लोगों का बदल जाता है। बात लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की हो तो विधानसभा स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय मुद्दे और अपने राज्य की सरकार होता है, सरकार बनती है, जबकि केंद्र में की सरकार के लिए लोकसभा चुनाव में लोग कैंपेन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के लोग विधायक के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पे देते हैं, लेकिन वोट देते हैं, लेकिन क्या है कि लोकसभा के चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं, लोग राष्ट्र की बात करते हैं, देश की मजबूती की बात करते हैं, एक मजबूत प्रधानमंत्री की बात करते हैं और मुद्दा बदलता है। जो लोग राज्यसभा में विधानसभा में स्थानीय मुद्दे को लेकर वोट देते हैं, वहीं लोकसभा में केंद्रीय मुद्दे को लेकर वोट देते हैं, बदलाव होता है। तो हमने भी देखा है कि कई लोगों से हमने भी बात करी जो विधानसभा में राजद को वोट देते हैं और लोकसभा में वो भाजपा को ही अपनी पहली पसंद बनाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता है। ये बताएं कि जो इस बार आप चुनाव का जो ट्रेंड देख रहे हैं किसके पक्ष में देख रहे हैं या बराबर का मुकाबला देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या रहा चुनाव का जो दिन भर मतदान हुआ? नहीं नहीं, अब ये किसी के पक्ष में ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वोटर्स आज के डेट में बहुत इंटेलिजेंट वोटर हैं। पहले वोटर्स थे, लोग चिल्ला के वोटिंग करते थे, समझ में आता था किसके लिए, अब काफ़ी इंटेलिजेंट वोटर हैं, वो अपना माइंड सेटअप कर चुके होते हैं कि मुझे किसे वोट देना है। बात करें यहाँ के दोनों प्रत्याशियों को लेकर तो क्या है ना कि ये सारण में यदु रघु की लड़ाई होती रहती है, यदुवंशी और रघुवंशी की लड़ाई होती रहती है। निश्चित तौर पे आमने सामने यादव और राजपूत रहते हैं, इस बार भी वही कहानी रहा, यादव की तरफ से रोहिणी रही और राजपूत की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी रहे, लेकिन बीच के जो वोटर्स हैं OBC EBC पिछड़ा जाति वगैरह का जो वोटर्स हैं वो लोग
केंद्र की राजनीति को देख के इस बार मूवमेंट कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव के कैंपेन के बाद कुछ केंद्र सरकार के केंद्र के भाजपा के कुछ वोटों में से जो बेसिक वोट है सिंध लगाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से 4 जून को ही समझ में आएगा। दूसरी तरफ जहां हम बात करें वो किसका पल रहा भारी है, तो यादव और राजपूत फर्स्ट और सेकंड हैं, 4,80,000 के आसपास यादव हैं और 4,50,000 के आसपास राजपूत हैं। यादव वोटर 30,000 ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं, तो मिला जुला के अगर वोटिंग कहें तो एवरेज बराबर माना जाएगा, 25 से 30,000 कोई बहुत ज़्यादा वोट का अंतर नहीं माना जाता है। लेकिन और जो वोटर्स हैं वही निर्णायक वोटर्स हैं। पिछले समय में देखा जाता नीतीश कुमार का जो पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं उन पे नीतीश कुमार का अच्छा पकड़ था, लेकिन नीतीश कुमार के बार बार दल बदलने से कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की कमी हुई है और वोट पे पकड़ कमज़ोर पड़ा है। तो कमज़ोर पड़ने से थोड़ा सा हो सकता है कुछ वोट दरक के RJD की तरफ चला जाए। अगर 2 से 3% तक वोटर्स इधर उधर जाते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा, लेकिन वो 5% होता है ना तो क्या है ना कि रिजल्ट प्रमाण जो होंगे उलटफेर होंगे। फूट किस करवट बैठे ये अभी कहाँ नहीं जा सकता, नहीं ये कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सब लोग कैंपेन किए हुए हैं, सब लोग लगातार लालू परिवार लगातार एक्टिव रहा, लालू जी भी एक्टिव रहे, तेजस्वी तेज प्रताप, हालांकि एक दो बार मिश्रा जी का भी आना हुआ, राबड़ी जी यहाँ पे लगातार एक्टिव रही। वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, योगी जी का कार्यक्रम हुआ और भाजपा के लीडर्स भी काफ़ी एक्टिव रहे, तो ऐसे कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लड़ाई नेक टू नेक है, काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है और नज़दीक की लड़ाई है। एक चीज़ और देखने में आया कि मीसा जो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है उनके लिए लालू परिवार से बहुत ज़्यादा कैंपिंग नहीं हुई, तो स्वाभाविक है कि इस सीट को किसी भी सूरत में हासिल करना लालू परिवार या राजद का एक सूत्री कार्यक्रम रहा है। इसको लेकर इसका दो कारण है। एक तो कारण है कि ये लालू यादव का कर्मभूमि रहा है, पहली बार लालू यादव 70 के दशक में यहाँ से सांसद बन के गए, और सबसे बड़ी बात है सारण के लिए तत्काल के छपरा लोकसभा से सांसद बनने के बाद उन्होंने रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था जिसमें वो मैनेजमेंट गुरु बने थे, ये सारण छपरा का सौभाग्य है। दूसरी बात ये रहा कि फिफ्थ फेज में 5वें चरण में सारण का चुनाव है और संभवतः इसके बाद वाले चरण में पाटलिपुत्र का है, तो अभी जितना पोटेंशियल था सब राजद वाले लोगों ने अपने कर्मभूमि के लिए सारण पे लगाया, उसके बाद अब वो लोग मूव करेंगे पाटलिपुत्र के तरफ। आपके लिहाज से चुनाव एकदम बराबर बराबर का यहाँ पे सारण? हाँ, एकदम नेक टू नेक फाइट है, बहुत मतलब बहुत कम दायरा होगा हार और जीत का। तो ये छपरा के सारण जिले के दो पत्रकार थे जिन्होंने बताया कि जो ये चुनाव है वो चुनाव एक पत्रकार की निगाह से बराबर का है, ऊँट किस करोड़ बैठेगा कहा नहीं सकता है, हालांकि दूसरे पत्रकार कहना है कि राजीव प्रताप रूड़ी को इस चुनाव में एज है, क्योंकि जनता जो है जब लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्र की सरकार को ध्यान में रख करके वोट करती है। नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, सबको इंतजार है कब 4 जून को किसके पक्ष में जीत होता है किसकी हार होती है। अभी तक इतना ही, आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक, छपरा।